हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ए बी सी टी में। इस वीडियो में हम अलजेब्रा बीजगणित का पार्ट टू देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने अलजेब्रा का पार्ट वन लेकर आया था, जिसमें 12 क्वेश्चंस थे। ठीक है, पार्ट वन में 12 क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो 12 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी और मॉडरेट टाइप के थे। उम्मीद है आप वो वीडियो को देख लिए होंगे और वो क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। इस वीडियो में हम फिर से 12 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सी जी पी एस सी के अंदर जो पिछले बार 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ के जो क्वेश्चन जो देखने में तो लेंदी लग रहे थे, उसको बहुत ही इजीली तरीके से बनाया जा सकता था। उस सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसको हम बहुत ही इजी शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे, जिसको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम टोटल 12 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप उस क्वेश्चंस को पहले खुद से भी ट्राई करेंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन को देख के आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है तथा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 175 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम एक मेन बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है, जो कि मैं कल बताया था फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, तो वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले का हम कैसे यूज़ करेंगे, बट हम आज थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट तरीके से इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको क्या चीज़ याद रखना चाहिए, जब भी आप इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बनाने से पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम यही शॉर्टकट मेथड से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले चीज़ तो हमको याद रखना है कि हमारे पास जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन अगर है, तब हम वहाँ से वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है और दूसरा दे दिया एक्स माइनस वाई बराबर 1, ऐसा कुछ दे दिया और आपसे पूछे कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो अब इस केस में हम एक्स और वाई की वैल्यू हम जोड़ के और घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु क्यों हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है। देखिए, जितना बराबर का चिन्ह होगा और बराबर के राइट साइड में भी अगर कुछ है, लेफ्ट साइड राइट साइड, और जितना बराबर का चिन्ह होगा उतना इक्वेशन यहाँ पे होगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 2 इक्वेशन है और वेरिएबल भी 2 ही ठो है। ठीक है, वेरिएबल एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल है और इक्वेशन भी 2 है, तब इस केस में हम इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम बता सकते हैं। परंतु यदि इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अगर आप जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी 3 वेरिएबल है और यहाँ पर 2 ही इक्वेशन है हमारे पास। ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल करके भले क्वेश्चन मार्क दिया है बट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इधर कुछ दिया नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरा इक्वेशन, और वेरिएबल 1 2 3 3 वेरिएबल है। तो याद रखिएगा कि जितना इक्वेशन है अगर उतना ही वेरिएबल है, तो वहाँ से हम सभी वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। परंतु अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज़्यादा दे दिया, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसके जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हम रख के बना सकते हैं, माइनस में भी हम रख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि यदि वेरिएबल की संख्या, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो वेरिएबल की संख्या यदि इक्वेशन से अधिक हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे उसके जगह हम कुछ भी रख के बना सकते हैं। बस कंडीशन इतना होगा कि वो वैल्यू को जो आप वहाँ पे मान के चल रहे हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल के जगह पे, उस वैल्यू को रखने पर हमारा जो पद होगा, ठीक है, कोई भी जो टर्म होगा उसका वैल्यू अनंत या इनडिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनंत कब होता है, जब मान लेते हैं कोई चीज़ नंबर है उसके नीचे अगर मान लेते हैं 0 आ जाए, ठीक है, तब यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेंट होता है, या फिर अगर 0/0 आ जाए तब जाके इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन हमारे पास नहीं बनना चाहिए वैल्यू को रखने पर। ठीक है, अब बाकी आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को आगे बनाने पर हमको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 175, तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है। ठीक है, कितना, फिर से लिख देता हूँ, 3 वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास 3 है, वेरिएबल को हम चर राशि भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी और सी, और यहाँ पे समीकरण कितने हैं भाई, इक्वेशन हमारे पास 2 है, 1 और 2। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे 1 तो ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा वेरिएबल है एक्स्ट्रा वेरिएबल, उसके जगह हम मान लेते हैं 0 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल मान लेते हैं सी, तो हम क्या करते हैं, सी के जगह हम 0 रख देते हैं। ठीक है, सी के जगह हम 0 रखते हैं। अगर ये सी के जगह 0 रख दूंगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर अगर सी के जगह 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट खत्म होगा, और ये सी का 0 रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 7 और ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, 175, इतना ही बचा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी बराबर 7 बच गया, इसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू 175 मिल गया। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी तो हमारे पास सी के जगह 0 रखना है, तो सी के जगह 0 रखेंगे तो ये पार्ट भी खत्म, ये पार्ट भी खत्म, मतलब इन सब का वैल्यू निकालने के लिए हमको बस
ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये हो गया, जब इतना हो गया तो हम एक फॉर्मूला कल बताए थे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये जो हमको मिला है ए प्लस बी बराबर सात, इसके दोनों साइड अगर हम वर्ग कर दें तो ए प्लस बी सॉरी घन कर दें क्यूब, तो ये हो जाएगा सेवन का क्यूब दूसरे साइड भी। अब ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और बराबर में सात का क्यूब इधर कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका वैल्यू तो हमको पता चल गया यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना 175, तो इसके जगह मैं 175 रख देता हूँ, प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी हमारा छोड़ देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू फिर से यहाँ पे 7 है तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, और राइट साइड में हो गया 343। अब इसको उधर ले जाकर हम घटा देंगे तो 3AB इंटू 7 बराबर 343 माइनस 175। ठीक है, अब 343 में 175 घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, ठीक है घटा लेते हैं तो 3AB इंटू 7 बराबर, इसको चाहे तो काट भी सकते थे बट चलिए घटाते हैं, 13 में 5 गया ये 8 हो गया, बच गया कितना 3, 13 में 7 गया तो ये 6 हो गया और ये बच गया तो 168। ठीक है, 168 मिला। अब इसको हम 3 से भी इसको काट सकते हैं तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 7 से भी इसको काट सकते हैं 7 × 8 = 56, तो AB का वैल्यू क्या मिल गया हमको 7 मिल गया। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू मिलेगा वही इन सबका वैल्यू देता है क्योंकि ये सी की वजह से ये दोनों तो कट गया था, तो ए बी का वैल्यू हमारा 7 सॉरी कितना मिला 7 × 8 = 56, 8 मिला। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया और ऐसे ही क्वेश्चन हमको पूरा करना है। ठीक है, अगर पूरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, और फिर ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, आप चाहे तो इसको होमवर्क की तरह रख सकते हैं या फिर मैं एक बार बता ही देता हूँ इसको। ठीक है, फिर से यहाँ पे दो इक्वेशन है और ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सी को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 मानेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये सी की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर सी रखेंगे सी की जगह 0 तो ये टर्म खत्म और ये वाला टर्म खत्म, ए प्लस बी बराबर क्या बच गया हमारे पास 6 बच गया, उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमारे पास बच गया 342, और यहाँ पे हमको निकालना क्या है अब ए बी, ए बी का वैल्यू जो निकाल देंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर से वापस से इसका हमको दोनों साइड घन करना पड़ेगा तो ए प्लस बी का क्यूब और राइट साइड में हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी और राइट साइड में 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 342, तो मैं हम यहाँ पे रख देंगे 342 प्लस 3AB का वैल्यू हमको निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, तो मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, इधर हो गया 216। ठीक है, अब 342 को इधर ले जाके हम घटाएंगे। ठीक है, तो 3AB इंटू 6 बराबर 216 माइनस ये 342 इधर ले जाके हम घटा देंगे। ठीक है, तो इधर बच गया 3AB इंटू 6, तो 216 में यदि आप 342 घटाते हैं तो मिलेगा, घटा लेते हैं 12 में 6 गया तो 6, ये बच गया 3, 3 में से गया तो 2, 126। ठीक है, 126 बच गया, अब इसको काटते हैं लेकिन माइनस का होगा। ठीक है ना, ये माइनस का होगा तो 6 से काटेंगे तो 6 × 12 6 × 6 माइनस 21 मिला और 3 से 1 कट जाएगा 3 × 7 = 21, तो ए बी का वैल्यू क्या मिल गया अभी हमको ये माइनस का 7 मिल गया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है तो ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, इस बार आपको ध्यान से क्या देखना है, इस बार हमारे पास जो वेरिएबल है या चर राशियां जो है हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, कौन कौन सा भाई, ए बी और सी, 3 चर राशि है, लेकिन अगर हम समीकरण की बात करें या इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है बस, तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 वेरिएबल के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 0 रख के देखते हैं क्या 0 सर्टिफाई करेगा क्या। देखिए ध्यान से, अगर मैं सी के जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो सी 0 पूरे को 0 कर देगा, तो ए स्क्वायर बटा जब 0 हो जाएगा तो वो तो अनंत हो जाएगा, तो मैं तो बोला हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बी के जगह 0 रख देंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा अनंत इन्फाइनाइट कर देगा, तो ये भी नहीं पड़ेगा। और ए के जगह मतलब ए बी सी के जगह हम 0 नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो ए और बी सी के जगह हम क्या रखें, तो चलो ए के जगह हम क्या करते हैं 1 रख देते हैं, बी के जगह भी 1 रख देते हैं, समझ में आ रहा ना। अब जब ए और बी 2 वेरिएबल में हम कुछ रख सकते थे तो 0 के जगह हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, जब 0 के जगह हम अब 1 रख देंगे तब हमको क्या मिलेगा भाई, तो देखिए क्या मिलेगा, हमने रख दिया बी के जगह भी 1 और सी के जगह भी 1 बराबर 0, तो ए प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल गया -2।
ठीक है, क्या क्या और बी क्या रखे हैं एक, सी क्या रखे हैं हम एक, और ए कितना मिल गया माइनस का दो मिल गया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, हमने क्या रखा था ए बी और सी की जगह एक एक, तो यहां पर भी बी और सी रखे हैं, तो यहां पर हमको क्या मिला ए स्क्वायर बट्टा ये बी की जगह भी एक और सी की जगह भी एक, तो एक और एक का गुणा तो एक ही मिलेगा, प्लस बी की जगह हम क्या रखे थे यहाँ पे एक, तो एक का स्क्वायर, और नीचे में सी की जगह भी एक रखे हैं और ए की जगह भी कुछ नहीं, एक की जगह ए ही रहेगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह हमने क्या रखा था एक, तो एक रख दिए, और ए और बी की जगह ए का वैल्यू नहीं पता लेकिन बी की जगह हमने रखा था एक, मतलब इन सब की जगह हमको क्या लाना है ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा ए, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ए का वैल्यू हमने कितना ले आया माइनस टू, अब ए की जगह हमको माइनस टू रखना है, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस एक बटा माइनस टू प्लस एक बटा माइनस टू, तो माइनस दो का स्क्वायर कितना मिलेगा चार, और ये हो गया माइनस एक बटा दो और ये माइनस एक बटा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा चार, ये माइनस आधा और माइनस आधा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक, तो चार में से एक घटा देंगे तीन, तीन हमारा यहाँ पर आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो शॉर्टकट है जो ट्रिक है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि बी बटा वाई प्लस जेड बटा सी बराबर वन, और इसी तरह सी बटा जेड प्लस एक्स बटा ए बराबर वन, तो इन सब का वैल्यू क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल हमारे पास कितना है, देखिए ध्यान से, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे छः है, टोटल जो वेरिएबल हो गया क्या क्या हो गया देखिए भाई, एक वेरिएबल हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, तीसरा हो गया जेड, और आगे देखेंगे तो ए बी और सी, टोटल छः वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल की संख्या छः हो गया, लेकिन जो समीकरण है इक्वेशन कितना है इसमें एक और दो, दो इक्वेशन है, मतलब चार वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा है, चार के जगह हम कुछ कुछ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो रखते हैं भाई, देखिए क्या एक्स के जगह जीरो रख सकते हैं, यदि एक्स के जगह हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इस पूरे बट्टा जीरो का वैल्यू अनंत हो जाएगा, तो एक्स के जगह जीरो पॉसिबल नहीं है। वाई के जगह जीरो रख सकते हैं क्या, अगर वाई के जगह जीरो रखेंगे तो ये वाला अनंत हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। जेड के जगह भी जीरो नहीं रख सकते, तो एक्स वाई जेड के जगह जीरो जीरो तो हम नहीं रख सकते, अगर जीरो नहीं रख सकते हैं तो हम क्या वन वन रख के देखते हैं, तो एक जगह वन 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 रख दिए। ठीक है, एक्स वाई जेड के जगह वन वन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वाई और जेड की जगह वन रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो बी बटा वाई के जगह हम क्या रख रहे हैं एक, प्लस जेड के जगह भी रख रहे हैं एक, और एक बटा सी बराबर वन, इतना कुछ मिला यहाँ से। ठीक है, इसी तरह ये वाले में अगर हम जाएंगे तो सी बटा जेड के जगह वन प्लस एक्स के जगह भी वन है, और ए तो ए है ही बराबर वन, ये हमारा ये दोनों समीकरण जो है ऐसे बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, देखिए कैसे, इसको अगर मैं ऐसे चुपचाप लिख देता हूँ बी प्लस एक बटा सी बराबर वन, और इसको लिख देता हूँ सी प्लस एक बटा ए बराबर वन, इतना सारा चीज़ हम लिख के छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या वापस है, क्योंकि हम तीन वेरिएबल को तो हमने कुछ कुछ रखा है। ठीक है, तो एक चौथा वेरिएबल भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि छह में से दो इक्वेशन दिया है, तो चार एक्स्ट्रा था, तीन की जगह एक एक रख दिए, अब चौथा वेरिएबल में ए बी सी किसी की जगह हम कुछ रख देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते सी की जगह अगर मैं जीरो रखूं, सी की जगह जीरो रखूंगा तो ये वाला आनंद मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको चलेगा नहीं, तो सी की जगह हम जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्या अब हम सी के जगह एक रख सकते हैं क्या, देखिए सी के जगह अगर मैं अब एक रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सी के जगह जीरो हमारा फेल हो गया। ठीक है ना, सी के जगह हम जीरो नहीं रख सकते क्योंकि अनंत कर दे रहा था। क्या सी के जगह एक रख सकते हैं क्या, अगर सी के जगह एक रखूँगा तो ये वाला एक उधर जाके जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो हमारे पास सी का वैल्यू भी एक नहीं रख सकते। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू दो रख के देखते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बट ये करना क्या है कि जो वैल्यू है अनंत नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, तो सी के वैल्यू जीरो और वन नहीं रख सकते, तो हम दो रख के देखते हैं। अब इसमें अगर सी का वैल्यू दो रखता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, बी प्लस एक बटा दो बराबर एक। ठीक है, तो बी बराबर ये एक बटा दो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक में एक बटा दो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बटा दो। ठीक है, बी क्या मिला हमको, एक बटा दो। ठीक है, सी कितना माने हैं हम, सी माने हैं दो, और बी कितना है, एक बटा दो। अब यहाँ पर अगर C का वैल्यू दो रखूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं, तो C के जगह अगर दो, तो दो प्लस एक बटा ए बराबर एक, इस दो को उधर ले जाएंगे तो एक बटा ए बराबर एक में से दो घट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक बटा दो बराबर माइनस का वन। ठीक है, तो जब A का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो A का वैल्यू ये वाला इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब A का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो हमने ए बी सी का वैल्यू भी निकाल लिया, तो हम चार वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, एक्स वाई जेड की जगह वन वन रख दिया था, सी के जगह दो रख दिया था, तो ए और बी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं भाई, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू आ गया माइनस वन, इंटू बी का वैल्यू क्या आ गया था, एक बटा दो, तो ये हो गया एक बटा दो,
प्लस एक्स के जगह वन माने थे और वाई के जगह भी वन माने थे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना। और नीचे में बी एक्स, बी का वैल्यू हमारे हमारे पास क्या आया, एक बटा दो, और एक्स क्या था, वन था, ठीक है, बस काम खत्म। ये इसका गुणा करेंगे तो माइनस का एक बटा दो प्लस एक एक का गुणा हो गया एक बटा, ये हो गया एक बटा दो। अब देखिए एक में से एक बटा दो घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, ऊपर में एक बटा दो मिलेगा और नीचे में भी एक बटा दो है, ये पूरा कट जाएगा और क्या मिलेगा हमको, एक। इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको समझना है और खुद भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप इस मेथड को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही जल्द ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम फाइव की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि ए बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर ऐसा तीन माइनस तीन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी टू बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा हमको ये बताना है। देखिए फिर से वहाँ पे अगर देखेंगे तो तीन वेरिएबल है हमारे पास, ए बी और सी, तीन वेरिएबल, और इक्वेशन कितना है हमारे पास, एक दो, दो इक्वेशन है, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, चाहे तो आप ए बी सी तीनों में से किसी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सी की जगह जीरो रखता हूँ तो क्या हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर मान लेते हैं सी के जगह जीरो, सी को जगह जीरो करेंगे तो कहीं भी अनंत नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सी अगर जीरो रखोगे तो सी बटा कोई चीज़ का वैल्यू जीरो बटा करने पर वो जीरो आ जाता है, यहाँ पे सी रखेंगे तो यहाँ पे अनंत नहीं बनेगा कि जीरो प्लस ए ए मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सी के जगह हम जीरो रख सकते हैं, ठीक है ना, हम क्या रख रहे हैं, सी के जगह जीरो, जीरो रखेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और सी के जगह जीरो रखेंगे तो ये और ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्या बच जाएगा, और इस सी के जगह ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। मतलब ऊपर वाला हमारे पास क्या बच गया, ए बटा बी प्लस बी बटा ए, और राइट साइड में बच गया माइनस का तीन, और यहाँ पे गए तो हमको मेन मिल गया क्या, ए स्क्वायर बराबर दो बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन निकालना है उसका क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, अब इसको थोड़ा हल करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए और बी का गुणा ए बी बराबर माइनस का तीन, इतना मिल गया, ठीक है। देखिए अब ए बी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू अब कैसे निकाला जाए भाई, वो देखना होगा हमको। तो देखिए ध्यान से, इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, दो बी स्क्वायर रख सकते हैं क्या, बताइए क्या इसके जगह हम दो बी स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है, चलिए बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है, दो बी स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा दो बी स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर रहेगा, और नीचे में हमारे पास ए बी, और राइट साइड में क्या है, माइनस का तीन, ठीक है। अब दो बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना मिल गया, थ्री बी स्क्वायर, और नीचे में है ए बी, और बराबर राइट साइड में माइनस का तीन। देखिए इस तीन से तीन कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर में बच गया बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में बचा है ए बी, और राइट साइड में बच गया वन, ठीक है। इसको मैं अब इधर लिखता हूँ, इस ए बी को अगर इधर गुणा कर दूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी, बट हमको ए बी का वैल्यू चाहिए तो माइनस इधर भेज देंगे, तो ए बी बराबर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। हमको ए बी का वैल्यू निकालना था, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी सी तो कैंसिल हो गया था, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, माइनस का बी स्क्वायर, तो ये माइनस का बी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू चार है, तो इन सब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर से देखिए, तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल के जगह हम कुछ भी, हम सी को हर बार जीरो मान रहे हैं, इस बार हम चाहें तो ए को जीरो मान के बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तीन वेरिएबल दो इक्वेशन, और अगर ए की जगह जीरो रखूंगा तो हमारा कंडीशन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए रखूंगा जीरो तो ये बी सी बचा रहेगा, यहाँ पे ये बी बचेगा, यहाँ पे ये सी बचेगा, मतलब हमारा अनंत और इनफाइनाइट या फिर डिटर्मिनेंट नहीं मिल रहा है। इस केस में हमको क्या मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं इस बार ए की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि ए की वैल्यू कितना है, जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये वाला एक खत्म हो जाएगा, बी प्लस सी का वैल्यू एक, यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म, यहाँ पर ये वाला पूरा खत्म, यहाँ पर ये खत्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच गया हमारे पास बी प्लस सी बराबर, बी प्लस सी बराबर हो गया एक, वहाँ पे गए तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या मिल गया, चार। यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या रह गया भाई, एक बटा बी सी प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी, इसका वैल्यू हमको बस निकालना है तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे, इन सब का अगर आप लघुत्तम निकाल देंगे, ठीक है, इन सब का यदि लघुत्तम निकाल दिया जाए तो लघुत्तम निकालने के बाद हमको क्या मिलेगा, इन सब का बी सी मिलेगा, और यहाँ पे बचेगा ये एक,
बी से भाग लगाओगे तो मिलेगा यहाँ पे सी, और यहाँ से भाग लगाओगे तो मिलेगा यहाँ पे बी, मतलब बी प्लस सी, मतलब इसको मैं लिख दूँ बी प्लस सी प्लस वन और बट्टा में बी सी। ठीक है, देखिए बी प्लस सी का वैल्यू हमको क्या दिया है, वन, यहाँ पे मैं वन रख सकता हूँ, ठीक है ना, तो वन प्लस वन बट्टा बी सी, मतलब दो बट्टा बी सी मिला है अभी तक। अब बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, वो बी सी का वैल्यू कहाँ से निकाला जाए भाई, तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड, तो बी प्लस सी का क्यूब इधर भी करूँगा तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री बी सी इंटू बी प्लस सी, और इधर वन का क्यूब तो वन ही मिलेगा। बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हमको दिया है चार, यहाँ पे रख दूंगा चार प्लस थ्री इंटू बी सी, बी प्लस सी का वैल्यू क्या है वन, तो ये वाला हो गया वन और राइट साइड में वन। ये देखिए ये चार उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा थ्री इंटू बी सी बराबर, ये चार उधर माइनस करेंगे तो माइनस का तीन, ये तीन से तीन कट जाएगा एक बार में, बी सी का वैल्यू क्या मिला माइनस का वन, यहाँ पे आप माइनस वन रख देते हैं तो दो बट्टा माइनस वन बराबर माइनस का दो, ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि एक्स प्लस थ्री वाई प्लस दो बराबर जीरो है, तो इन सब का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक्स वाई, दो वेरिएबल है, समीकरण तो हमारे पास बस एक ही है, ये वाला समीकरण नहीं है क्योंकि राइट साइड में कुछ नहीं है निकालने को, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल किसी को भी हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, और जीरो ऐसे वेरिएबल को मानते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 27 वाई क्यूब है, यहाँ पे अगर वाई को ही जीरो मान लूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक ही समीकरण है, तो एक वेरिएबल किसी को भी हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, और जीरो मानने से कुछ यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इस बार क्या करते हैं, वाई को मानते हैं जीरो, वाई को अगर जीरो मानेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस दो बराबर जीरो, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का दो, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया माइनस का दो, और यहाँ पर क्वेश्चन जो निकालना है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एट, इसी का वैल्यू बस निकालना था। ठीक है, तो निकाल देते हैं भाई, एक्स की जगह कितना है, अच्छा ये बच गया एक्स क्यूब, ये एट, ठीक है, तो ये माइनस टू का क्यूब, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है माइनस टू और इधर में प्लस का एट, माइनस टू का क्यूब करेंगे तो माइनस एट और ये प्लस एट जीरो, ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम एट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, इसको थोड़ा साइज को हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होगा। फिर से हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे तीन है, समीकरण एक है, तो किसी दो वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी जो मर्जी है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं भाई, देखिए अगर मैं c को जीरो रख दूँ, ठीक है, अगर मैं c को जीरो रख दूँ तो a प्लस बी का वैल्यू कुछ मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे c का वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ पे बस a बचे रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार अगर c की वैल्यू को जीरो रख लिया जाए, ठीक है रखते हैं c का वैल्यू जीरो, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, मतलब दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ये दो एक्स्ट्रा वेरिएबल की जगह हम कुछ भी रखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो पहले हम c रख देते हैं, c की जगह अगर मैं जीरो रखूँ तो ये वाला a प्लस बी बचा, यहाँ पर अगर c की जगह जीरो रखेंगे तो ये वाला पूरा खत्म। ठीक है, यहाँ पर ये वाला खत्म। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास a प्लस बी बराबर जीरो मिला है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर पार्ट मिला है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बी को भी जीरो रखता हूँ, ठीक है, यहाँ सी को हम जीरो रखें ना, अगर बी को जीरो रखेंगे तो ए भी जीरो हो जाएगा, जब ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा और ये वाला अनंत हो जाएगा, तो हम एक बी के जगह भी जीरो, दो वेरिएबल को जीरो यहाँ पे हम नहीं मान सकते, एक को तो मान लिए थे तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले को हम वन मान लेते हैं, बी के जगह वन, अगर बी के जगह वन मानेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा ए प्लस वन बराबर जीरो, तो यहाँ पे मिल गया ए की वैल्यू कितना माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी बी का वैल्यू एक रखते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना रखना है हमको वन रखना है, तो वन स्क्वायर बट्टा ये हो गया ए स्क्वायर, इसी का वैल्यू बस लाना था। ठीक है, बराबर ए के जगह हम क्या ले आए अभी माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और नीचे भी माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस वन, ऊपर में वन और नीचे में माइनस वन, सॉरी ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये प्लस का वन हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा दो और नीचे में एक, दो बट्टा एक का मतलब दो, हमारा दो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर इतना, तो हमको इसका वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, वापस से देखिए, तीन यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल ए और बी। ठीक है, समीकरण एक ही है, मतलब एक हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मिला है, तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल किसी की जगह आप चाहें तो ए को जीरो मान ले या बी को जीरो मान ले, किसी को भी मान लेते हैं जीरो। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि बी कितना है हमारा, जीरो है। अगर बी जीरो होगा तो ये वाला पार्ट खत्म, यहाँ पे ये जीरो होगा तो ये भी खत्म, यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर बराबर वन, इतना चीज बचा हुआ है। ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा ए, प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल भी ए बराबर एक, तो ए प्लस ए दो ए बराबर एक, यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक बट्टा दो, ए का वैल्यू मिल गया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, हम तो बी को तो जीरो मान लिए थे, तो बी को जीरो मानेंगे तो ये भी खत्म, यहाँ पे बचा क्या है, वन माइनस ए स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर में बचेगा वन, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा बस वन, तो यहाँ पे वन माइनस ए कितना है, एक बट्टा दो, तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, एक बट्टा दो का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बट्टा दो का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ इसका, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक बट्टा दो का स्क्वायर, और एक बट्टा दो का स्क्वायर मतलब एक बट्टा चार, यहाँ पे हम रख देंगे यार एक बट्टा चार, और राइट साइड में बच गया वहाँ पे वन, तो अब इसको घटाएंगे तो चार एकम चार माइनस एक, तो तीन बट्टा चार, तीन बट्टा चार हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, ये एक ही दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मिला तो एक किसी एक जगह भी जीरो ला के बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने बी को जीरो माना तो ये बी जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, बचा यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे का आप खुद देख लेना, ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके। क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर सत्रह है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए छः है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, वापस से देखिए, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल ए बी और सी, और इक्वेशन कितना हमारे पास, समीकरण जो हमारे पास मात्र दो है, एक और दो, तो हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना मिला भाई, एक्स्ट्रा हमको एक वेरिएबल मिला, तो इस एक्स्ट्रा की जगह हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि जीरो मानने पर कहीं भी हमको इन्फाइनाइट नहीं बन रहा, तो चलो मैं सी को जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, सी को जीरो माना तो ये खत्म, यहाँ से ये खत्म और ये खत्म, C को जीरो मान लें तो यहाँ पे C जो है पूरे टर्म को जीरो कर देगा, यहाँ पे C जो है पूरे टर्म को जीरो कर देगा, क्योंकि C जीरो है, इन सब का गुणा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी C है तो ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब जो हमारा इक्वेशन इतना सा बन के रह गया, तो A प्लस बी बराबर सत्रह बच गया, यहाँ से ए बी जो है छः बच गया है, और जो निकालना था वो हमारे पास कितना बन के रह गया है भाई, देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू अगर आप बस निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए भाई, ये ए प्लस बी है और ए बी का वैल्यू 6 आ गया, तो चलिए ए बी की जगह कितना है 6, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 17, तो 17 छिका 102, 102 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x प्लस वाई प्लस जेड 13 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 69 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। फिर से देखिए, यहाँ पे तीन वेरिएबल दो समीकरण, एक एक्स्ट्रा किसी की जगह जीरो मान लेते हैं, क्योंकि जीरो मानने पर यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मान लेते हैं लेट जेड बराबर जीरो, जेड को जीरो बनाया तो ये खत्म, यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म, जेड को जीरो बनाया तो जीरो इंटू ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये भी खत्म, मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बराबर 13, इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 69, और क्वेश्चन निकालना क्या है भाई, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला जाए, तो इसका हम समीकरण वर्ग कर देते हैं दोनों साइड, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इधर में 13 का स्क्वायर कितना 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना दिया 69, यहाँ पे मैं 69 रखता हूँ, 69 प्लस 2xy बराबर 169, ये 69 उधर माइनस हो जाएगा, तो 2xy बराबर 169 माइनस 69 घटाएंगे तो मिलेगा 100, मतलब 2xy का वैल्यू मिला 100, तो xy का वैल्यू ये 50 बार में कट जाएगा, तो xy का वैल्यू मिल गया 50, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सब तो जीरो हो गया था, xy की वैल्यू निकालना था, तो हमारा 50 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाना है। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बस इसको आपको थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन 12 क्वेश्चन को भी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x, यहाँ पे वेरिएबल अगर पहचानेंगे तो एक तो एक्स है, ए है और बी है, तीन वेरिएबल हमारे पास एक दोनों में। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो तीन है, ठीक है ना, वेरिएबल तीन, इक्वेशन पहचानिए बताइए कितना है, तो इक्वेशन हमारे पास जितना बराबर का चिन्ह है उतना, एक
और ये दो दो इक्वेशन होगा, ये बराबर का चिन्ह मैं खुद से क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए लगाया हूँ। तो दो ही इक्वेशन है तो नंबर ऑफ इक्वेशन टू। एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना हो गया भाई हमारे पास, एक्स्ट्रा वेरिएबल एक हो गया, क्योंकि वेरिएबल तीन इक्वेशन दो, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो एक्स्ट्रा है उसके जगह हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्स के जगह अगर हम जीरो माने तो देखिए एक्स के जगह जीरो रखने पे तो अनंत हो जाएगा, तो एक्स के जगह ये जीरो नहीं रखा जा सकता। ठीक है ना, तो एक्स के जगह जीरो नहीं तो हम कुछ और की जगह जीरो रख लेते हैं। ठीक है, इसके जगह हमको जीरो मानना चाहिए, जीरो नहीं तो हम कुछ भी वन भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, जो रखेंगे उससे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन के तैयार होगा। ठीक है, बट जीरो रखना तो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जीरो रखेंगे तो तीन बटा जीरो अनंत हो जाएगा, यहाँ भी अनंत हो जाएगा एक बटा जीरो, तो हम एक्स के जगह हम कभी भी जीरो यहाँ पे नहीं रख सकते। तो क्या रखेंगे, तो चलिए एक्स के जगह हम वन मान लेते हैं। ठीक है, मैथ से हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, मान सकते हैं, बस सही तरीके से करना होगा। तो एक्स की जगह अगर वन रखूंगा तो ये वन का क्यूब मतलब वन, और ये तीन बटा वन मतलब तीन, तो एक और तीन यहाँ पे क्या मिलेगा, चार मिलेगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, क्या बोला मैं कि एक्स की जगह अगर वन रखेंगे तो एक्स क्यूब में भी एक्स की जगह वन रखेंगे तो एक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर तीन बटा एक्स है तो तीन बटा एक्स में एक्स की जगह एक रखेंगे तो तीन मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर तीन, ये टोटल कितना मिला, चार। ठीक है, ऊपर वाला जो समीकरण उसको लिख रहा हूँ, चार बराबर इधर मिल गया फोर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ये चार से चार कट गया, मिलेगा एक, मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर वन, ये। ठीक है, नीचे वाले में भी ऐसे एक्स के जगह वन वन रखेंगे तो ये थ्री एक्स मतलब तीन इंटू वन, ये तीन मिलेगा, और ये एक बटा वन मतलब एक ही मिलेगा, तो तीन एक चार, यहाँ भी हमको चार ही मिलेगा, चार बराबर फोर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये चार और चार फिर वापस एक से कट गया, मतलब यहाँ पर बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर वन, ये इसको, ये दोनों को। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है तो हमने एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, और ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर वन और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर वन, ये दोनों मिला, ये दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर वन और नीचे है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर वन। अब इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ दूँ तो देखिए जोड़ने से प्लस माइनस वाला कट जाएगा और इधर मिलेगा दो ए क्यू बराबर इधर से दो, ये दो और दो वापस कट जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे ए क्यू बराबर वन, मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा वन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ए का वैल्यू वन मिल गया तो अब बी का वैल्यू बताइए, तो ये दोनों में से किसी समीकरण में भी रख देते हैं। चलो इसी में अगर मैं रख दूँ, ए की जगह वन आ गया तो वन क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर वन। ठीक है, मतलब ये बच गया वन माइनस बी क्यूब और बराबर वन, ये इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस बी क्यूब बराबर, ये उधर जाएगा तो जीरो, मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे हमको जीरो मिला, ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू जीरो। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो टू इंटू ए के जगह वन आया था तो वन स्क्वायर माइनस वन बटा टू इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब जीरो का स्क्वायर और ये प्लस का वन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ऊपर में बच गया टू माइनस वन और नीचे में जीरो प्लस वन, तो टू माइनस वन मतलब वन और नीचे में भी वन, वन बटा वन मतलब वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वन, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद है आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक था कि वैल्यू को मतलब टर्म को जीरो बना के हमको सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मेथड को समझ लें, नहीं तो मेन मेथड से अगर क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगा के अगर बनाएंगे तो बहुत ही लेंदी, पाँच मिनट तक आपका समय ले लेगा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। ये वाले तरीके से अगर करेंगे तो पिछले बार जितने भी सीसेट के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे सीजीपीएससी के, वो सब इस मेथड से बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।